हम ऑफिस में चलते हैं, यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। आ गया। आ गए। मेरा अच्छा बच्चों। कैसी हो तुम? ये अच्छा बच्चा तब तक नहीं सोने वाला जब तक तुम इसका वोल्केनो ना देख लो। वोल्केनो? ये देखो। वाह। चलो सैम डैड को दिखाते हैं वोल्केनो कैसे फटता है। ऐसे? संभल के संभल के। देखो। एक सेकंड मेरा फोन देखो। अगर फोन ऑफिस से होगा तो मत उठाना। ये कमिला का है। मुझे लगता है कि कार्लोस मोलिना के साथ डिनर पे इनवाइट करने के लिए उसने मुझे फोन किया है। ओह जूलियन। कमिला, मरियाना कह रही है कि डिनर नहीं होगा तो वो नहीं आएगी। जूलियन, मेरी बात सुनो प्लीज। कमिला, तुम ठीक तो हो? तुम अभी के अभी यहाँ चले आओ जूलियन, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। एक मिनट, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? पहले आराम से बताओ कि बात क्या है। फोन पर नहीं बता सकती, तुम यहाँ जाओ, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। ठीक है, तुम मेरा वेट करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। मुझे ऑफिस जाना होगा, वो बहुत घबराई हुई है। पर क्यों? तो मैं लौट कर बताऊंगा। सैमुअल, तुमसे लौट कर मिलता हूँ। ओके डैड। क्या हुआ जूलियन, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, घबराओ मत, तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, मुझे फोन करना। बाय, चलता हूँ। मुझे सही नहीं लग रहा, देखो तुम्हारी बीवी हमें देख रही है। नहीं 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 रिकार्डो, तुम रुक जाओ, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। तो 10 मिनट में वहीं आता हूँ जहाँ हम हमेशा मिलते हैं, पर तुम्हें कोई देखे नहीं, ध्यान रखना। तो तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। ये देखो, अगर तुम चाहते हो ये अच्छे से फटे तो इसमें जोर से फूंक मारना। पहले डैड को धुआने दो मम्मी। चुप हो जा। कमिला, रुक जाओ, बिल्कुल मत हिलना। गोली मत चलाना, हिलना मत। कोई है मेरी मदद करो। टैक्सी, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहां से, जल्दी। क्या जाएगी कहां? कमिला, हिलना मत, अपने हाथ ऊपर करो और खड़े हो जाओ। अभी मैंने कुछ नहीं किया। गन नीचे फेंको। मैंने कुछ नहीं किया। फेंको। कहा ना कुछ मैंने नहीं किया। मैंने कहा गन नीचे फेंको। मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। सुनिए, नहीं प्लीज देखिए, मैं तब से पूछ रहा हूँ कि यहाँ इंचार्ज कौन है। मैं यहाँ काम करता हूँ, किसी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। एक मिनट सर। रिकार्डो, क्या हो रहा है यहाँ?
पता नहीं, लगता है ऑफिस के अंदर कुछ हुआ है। मेरा नाम रिकार्डो प्रदीला है। मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ है क्या? आप मेरे साथ आइए, किसी को आने मत देना। आखिर हुआ क्या है लेफ्टिनेंट, कुछ तो बताइए प्लीज, मुझे जाने दीजिए प्लीज लेफ्टिनेंट। जूलियन, मरियाना, जूलियन क्या हो रहा है यहाँ पर? जूलियन कुछ तो बताओ क्या हुआ है। कमीला, ओह माय गॉड, जाने दीजिए मुझे, मेरी वाइफ है वो। नहीं, 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 कमीला, मैंने खून नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। रिकॉर्डो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खूनी को देखा है। मेरे अलावा एक और गवाह है जिसने खूनी को देखा है। मेरा नाम है जूलियन ओर्टेगा, सिविल इंजीनियर हूँ, हाइड्रोस्फेयर कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर सुपरविजन और इंस्पेक्शन करता हूँ। हमें डिटेल में एक एक बात बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ था। हाँ, घर पहुँचते ही मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया, वो कमीला का कॉल था। वो डरी हुई थी, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती है और उसने मुझे तुरंत ऑफिस में आने के लिए कहा। मैंने तुम्हें डबल अकाउंटिंग सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले का पता लगाने को कहा था, मेरी बीवी को मारने के लिए नहीं बेवकूफ। अब मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी बीवी है? तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे मार क्यों डाला? मैंने बताया ना आपको कि उस आदमी ने कमीला का खून किया है। मुझसे पूछताछ में वक्त बर्बाद करने के बजाय आप उस आदमी को ढूंढिए। इतना जान लो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी सारी करतूतों का पर्दाफाश करने वाली थी। तुमने कमीला को मारा है, ये जूलियन के अलावा किसी और ने भी देखा। उससे कुछ नहीं होगा। पुलिस को अगर ये यकीन हो जाए कि कमीला को जूलियन ने ही मारा है तो हम बच सकते हैं। दाईं तरफ घूमो। पैट्रिसिया, वो सोच भी कैसे सकते हैं कि जूलियन ने कमीला का खून किया? क्योंकि जूलियन के हाथ में गन थी और सब जगह उसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। जूलियन के अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था, समझ गई? पर खून उसने नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि खून करने वाले को उसने देखा। हाँ, उसके अलावा कोई और भी था वहां जिसने खूनी को हाँ, देखा? वो तो है, और जैसे ही वो गवाह मिल जाएगा जूलियन को उसी समय छोड़ दिया जाएगा। घबराओ मत। फाइल्स ऐसी बना दी हैं जिनसे लगेगा कि पैसों की गड़बड़ी जूलियन ने की है। अब तुम सिर्फ उस गवाह को ढूंढो। आप बता सकती हैं अभी वो कहां होंगी? ये मुझे नहीं पता, पर कोई और भी यहां आया था जो उनके बारे में पूछ रहा था। और कौन पूछ रहा था? बस अभी अभी वो यहां से गया है। मैं गवाह के घर पे गया था, वो औरत वहां से कहीं और चली गई है। नहीं स्कॉट, नहीं, ढूंढो उसे, किसी भी तरह से कहीं से भी उसे ढूंढ निकालो। अगर वो औरत पकड़ में नहीं आई तो जानते हो हमारा क्या होगा? हम बर्बाद हो जाएंगे। टेंशन मत लो, मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढने निकालूंगा। मुझे कमीला के फ्यूनरल की तैयारी करनी है, जूलियन से भी मिलना होगा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हाँ, ये जरूरी है। मुझे और कितने दिन तक यहाँ अंदर रहना होगा? जूलियन, परेशानी और बढ़ती ही जा रही है। क्यों, अब क्या हुआ? गवाह का कोई अता पता नहीं है, उसे कोई नहीं ढूंढ पा रहा। पुलिस या जांच पड़ताल करने वाले किसी को भी पता नहीं है। मुझे यहाँ जेल में डाल दिया गया है, वहाँ एक नहीं तीन गोलियां चली थी। वो हाँ, बता सकते हैं कि तीन गोलियां क्यों चली? उनका कहना है कि जब तुमने पहले कमीला पर गोली चलाई तो उसे नहीं लगी, वो भागकर रिकार्डो के ऑफिस में गए और तुमने वहां जाकर उसे फिर से पकड़ा। बस इसी बुनियाद पर मुझे यहाँ डाल दिया गया। जूलियन, तुम गन के साथ पकड़े गए हो जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे और वहाँ कमीला की बॉडी थी।
और अब तो प्रोसिक्यूटर को वजह भी मिल गई है। क्या मिली है? खून करने की वजह। खून करने की क्या वजह हो सकती है मेरे लिए? अकाउंट में घोटाला। घोटाला तुम्हारे कंप्यूटर में। और कमिला का खून करने के लिए ये वजह काफी है क्योंकि उसे तुम्हारे घोटालों की जानकारी थी। अकाउंट में घोटाले की बात कहां से आ गई? अकाउंट से मेरा क्या लेना देना है? मैं फील्ड वर्क करता हूं, ये सभी जानते हैं। जूलियन, पर उसके अलावा तुम बजट देखते हो, कॉन्ट्रैक्ट संभालते हो, परचेसिंग वगैरह भी तो देखते हो ना। वो तो ठीक है पैट्रिसिया, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मैंने कोई गड़बड़ की ही नहीं, तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? मैं जानती हूँ जूलियन, लेकिन ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि कोर्ट के लिए जो चीज मायने रखती है वो है सबूत और पर्याप्त वजह जो तुम्हारे केस में मौजूद है। और ये बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जरूर किसी की चाल है मुझे फंसाने की, और मुझे यकीन है कि वो मुझे फंसाने में कामयाब हो जाएगा, तुम देखना। वो कौन जूलियन, कौन है जो तुम्हें इस तरह से फंसाना चाह रहा है? कौन? ये मुझे नहीं पता, नहीं जानता मैं। तो हमें पता लगाना होगा और उस गवाह को भी ढूंढना होगा। उसके बाद क्या होगा पैट्रिसिया? देखो, चूंकि प्रोसिक्यूटर के हिसाब से ये बहुत ही मजबूत केस है, तो अब उनका अगला कदम होगा कोर्ट में ट्रायल। ट्रायल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों होगा ट्रायल? क्या से क्या हो गया, जैसे एक भयानक सपना देख रहा हूं। जानता हूं तुमने नहीं किया। पैट्रिसिया क्या कह रही है जूलियन? तुम्हें यहां से निकालने में मुझे कितना समय? गवाह का कुछ अता पता नहीं है। एक और जरूरी बात है जो तुम्हें बताना चाहता हूं, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। पैट्रिसिया ने बताया कि पुलिस को मेरी हाइड्रोस्फीयर फाइल में कुछ हेरा फेरी नजर आई है। क्या? रिकार्डो, कमिला जान चुकी थी ये हेरा फेरी कौन कर रहा है। वो आदमी जान गया और उसने कमिला को रास्ते से हटाने के लिए उसका खून कर दिया, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। क्या कहते हो रिकार्डो, मेरी बात सही है ना? सही तो लग रही है। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सही कह रहे हो। अब इसके आगे मेरा ट्रायल चलेगा, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, मेरी फैमिली का ध्यान रखना होगा। वो लोग अब अकेले पड़ जाएंगे रिकार्डो, देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो। कुछ महीने बाद सैमुएल का बर्थडे, और मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे एक रिमोट कंट्रोल कार लेकर दूंगा। मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तुम दे देना। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने बेटे के बर्थडे पर तुम उसके साथ होगे। मैं जानता हूं, मैं नहीं रहूंगा। नहीं, नहीं रहूंगा। और हम इसलिए भी सेलिब्रेट करेंगे जूलियन, क्योंकि ये सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। देखना जूलियन, मैं किसी भी तरह से कहीं से भी उस कमीने को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिसने ये सब किया है। देखना तुम ये सब उसे कितना महंगा पड़ेगा। जूलियन, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं इस समय फैसले का इंतजार कर रहा हूं। मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है उसे सजा हो जाएगी। इस केस के तमाम पहलुओं पर नजर डालते हुए, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर, ये कोर्ट पहले तो जूलियन ओर्टेगा को ऑफिस के अकाउंट में जातीय स्तर पर छेड़छाड़ करने के साथ साथ डकैती का षड्यंत्र रचने और मिसेस कमिला की हत्या का दोषी पाता है, और उन्हें 20 साल की कैद, 2000 के मासिक कानूनी न्यूनतम वेतन दंड के रूप में और 160 महीने के लिए सभी सामान्य अधिकार और कार्य से वंचित रखने की सजा सुनाता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता मेरे साथ, ये बिल्कुल गलत हो रहा है मेरे साथ पैट्रिसिया, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरा, ये कोर्ट जूलियन ओर्टेगा को सुनाई गई सजा को सशर्त स्थगित करने और उनके हाउस अरेस्ट पर रोक लगाती है। इन्हें ले जाए। बिल्कुल गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मुझे एक बार अपने बेटे से मिलना, प्लीज उसे मिलने दो। सैमुएल। हाय डैड। अब हम लोग घर चलें? नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जा सकता क्योंकि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। फिर से जा रहे हैं? हाँ फिर से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मैं नहीं रहूंगा तो अपनी मॉम को परेशान मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें रोज याद करूंगा बेटा, प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे रोज याद करोगे बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अभी तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, वहां बच्चों को नहीं जाने देते।
लौट कर आऊंगा तो साथ घूमने चलेंगे, ठीक है? वोल्केनोस देखने ना। वोल्केनोस देखने। एक मिनट, एक मिनट। I love you. Love you, बेटा। I love you, Marian. Love you. सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी आऊंगा बेटा, जल्दी आऊंगा। जब तक तुम यहां पर हो तुम्हारे सारे सामान हमारे पास रहेंगे और ये उसकी लिस्ट है और तुम्हें इस सेल में जाना है। ठीक है, पर मेरे बेटे की फोटो का है, मेरे बेटे की फोटो मुझे दे दीजिए प्लीज। वो हम यहाँ अपने पास रखेंगे। मेरी मुझे वो फोटो अपने पास रखने के लिए दी है, फोटो दीजिए प्लीज। तुम्हें नहीं दे सकते। मुझे मेरे अधिकार पता है सर, आपको मुझे वो फोटो देनी पड़ेगी। नहीं दे सकते। आप मुझे मेरे बेटे की फोटो दीजिए। गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज दीजिए। ये लो, इस पे साइन करो। कपड़े उतारो तुम। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो क्योंकि इन्हें मैंने बेच दिया है। अगर तुम बहरे हो तो इसका इलाज है मेरे पास। मैं बहरा नहीं हूं। और वो बेड पहले ही किसी को दे चुका हूं। नया बकरा है ये उसे ठीक करेगा। इंजीनियर है क्या?
क्या बात है यार। इसने तो बना दिया। क्या बात है? वाह क्या बात है। तुमको अंदर जाने के लिए चलो अंदर। उस तरफ ले जाओ। पानी कौन साफ करेगा यार ठंड में पानी। दीवार से चिपक जाओ सब जल्दी लाइन से जल्दी जल्दी ज्यादा समय नहीं है शुरू हो जाओ चलो शुरू हो जाओ। कितना और समय लगेगा एकदम सामने सामने हम तुम्हें हैंडसम बना देंगे। हाँ अब चिकने लग रहे हो तुम प्लम्बर। जानते हो सब लोग अब तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। तुमने वो पाइप ठीक की ना इसलिए मैंने वही। चला चला सब जल्दी चला। जानते हो मेरी बीवी क्या कहती थी? जल्दी करो बंद करो उसे। कभी कभी नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है इसीलिए नहा लेता हूँ। उधर देखा तुमने औरतों के लिए अलग से अरेंजमेंट है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर औरतों को भी रखते हैं। उस तरफ देख। हाँ आ जाओ आ जाओ इस तरफ आ जाओ। उसे देखो। इन कपड़ों को वहाँ टांग दो। अभी तो कोई फायदा नहीं सब बेकार दिखती है। लेकिन वो वाली थोड़ी अच्छी दिख रही है। नजरे चार कर रहा है। मुझे भी देख रही है। उसे देख। अरे इसे करके आओ यहाँ। अरे आओ से शूज यहाँ अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। टेंशन मत लो बाद में तुम इन्हें मुझसे वापस ले लेना। तब देखेंगे क्या हो सकता है। इन्हें पहनो। देख क्या रही हो पहन लो। मरियन जूलियन कैसे हो तुम? मैं ठीक। तुमने जूते क्यों नहीं पहने? ऐसे ही। तुम चिंता मत करो। यहाँ मेरी अपनी जगह है, एक बेड है। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। सैमुएल कैसा है? वो भी ठीक है। वो मेरे बारे में पूछता है हमेशा। उसे कहती हो ना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ? कहती हूँ। ये देखो, उसने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है और कहा है कि तुम इसे पूरा कर दो। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। सैमुएल को यहाँ कभी मत लेकर आना। पर क्यों नहीं ना? नहीं उसे यहाँ मत लाना। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे यहाँ इस हालत में देखे। तो क्या मैं हो नहीं गया? चाहता कि वो मुझे यहाँ ऐसे देखे। देखो मैं उसे अपने गले लगाने के लिए तरस रहा हूँ। पर मैं नहीं चाहता वो मुझे यहाँ देखे। पैट्रिसिया उसका वहाँ को ढूंढ लेगी और फिर वो अपील कर सकती है। हमें उम्मीद रखनी होगी मरियाना, ठीक है? विश्वास रखना होगा। वाकई कुछ हो पाएगा? हाँ, तुम सैमुएल से कहना कि मैं ट्रिप पर हूँ। ओके ठीक है बोल दूंगी। तुम वाकई आज बहुत खूबसूरत लग रही हो मरियाना। बहुत डैड लौट कर क्यों नहीं आ रहे? जल्दी आएंगे बेटा, अभी कुछ दिन और लगेंगे। अभी बहुत दूर है ना? जापान में। वो जापान में है। जानते हो जापान कहाँ है? बहुत दूर है। इतनी दूर कि जब वहां दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। सोचो सर। तो अब आप सो जाओ। ओके। और जैसा पापा ने कहा है शैतानी बिल्कुल नहीं। गुड बॉय। गुड नाइट।
हो गया रॉबिन्सन, जाओ। दो। थैंक यू। वेलकम मिस्टर राव, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। चलो तुम्हारे लिए काम है। क्या काम है? चलो बताता हूँ, अब चलो भी। एक जगह पानी लीक हो रहा है, वो ठीक कर लोगे ना? हाँ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए औजार चाहिए। ये लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा इससे। यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं थोड़ा सुट्टा मार कर आता हूँ और मेरे लौटने तक ये बन जाना चाहिए, ठीक है ना? बन जाएगा। ऐना, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या बात है? नहीं बताओ मुझे। ऐना डरो मत मुझसे, कुछ नहीं होगा। क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। चाहने से किसी का साथ हासिल हो जाता है क्या? शुरू में औरतें हमेशा मना करती हैं, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं और यही सच्चाई भी है। देखो शराफत का नाटक मत करो मेरे सामने, मैंने खुद तुम्हें उस प्लम्बर से आंख निचोली खेलते देखा था। देखो एस्पेरेंसिता, मेरी तरफ एक किस दो ना मुझे, जल्दी जल्दी एक किस, एक किस। अरे अरे सिर्फ एक किस ही तो मांगा, एक किस ही तो मांगा। मैं अपना अपना मुंह बंद रखो, मैं करो ना, सिर्फ एक किस की बात है, जो ड्रामा कर रही हो तुम। क्या हुआ यहाँ सब? क्या हो रहा है? मारने की कोशिश की। तुम चलो, चलो मेरे साथ। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे साथ। जबरदस्ती जाने का कोशिश कर रहा था, उसने मेरी जान बचाई है। क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? बस मेरा शांत करने वाला, शांत हो जाओ और दोबारा ये मत बोलना। बात की नहीं से अंदर लेकर जाओ, अंदर जाओ। उसने मुझे बचाने की कोशिश की। शांत रहो, छोड़ो। शांत रहो, शांत रहो। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों लड़ रही हो तुम उससे? हुआ क्या बताओ? सियरा ने मुझे वहां बुलाकर मेरा रेप करने की कोशिश की, लेकिन प्लम्बर ने आकर मुझे बचा लिया। तो सियरा को पीटा है इसने। मुनोस, लाओ इसका खाना इसे ला कर दो, खा लेना। होशियार रहना, बिल्कुल होशियार। डैड आ गए। नहीं रे, डैड आ गए। हाँ डैड हैं। हैप्पी बर्थडे चैंपियन। मेरा प्रेजेंट। नहीं नहीं, पहले हाथ मिलाओ, पहले हाथ मिलाओ, नहीं पहले हाथ मिलाओ। वाओ सैमी, बहुत देर तक खेलता रहा, पर जब सोने का वक्त हुआ तो बार बार डैड के बारे में पूछने लगा। जूलियन नहीं चाहता कि उसे मैं वहां ले जाऊं। देखा जाए तो जूलियन सही कह रहा है, बच्चे को वहां ले जाना ठीक नहीं होगा। जानती हूँ, पर बार बार उससे झूठ बोलकर उसकी उम्मीद को जगाए रखना मुझे बुरा लगता है। और तुम, तुम्हारी उम्मीद भी जिंदा है? और कब तक इंतजार करोगी तुम उसका? जरा सोचो मारियाना, 20 साल। तो क्या मुझे उसे भूल जाना चाहिए? देखो सच तो यह है कि अब तुम उस मामले में वाकई कुछ भी नहीं कर सकती हो। मारियाना, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम पहले से ही इतना परेशान हो, पर यह बात तुम्हारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। वहां कुछ नहीं है। हाइड्रोस्फेरस में मैंने खुद खोजबीन की है, पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ऐसा और कोई नहीं जिसे दोषी समझा जा सके, समझी? तो रिकार्डो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जूलियन ने ये सब किया है? जूलियन ने ही कमिला को मारा है?
वो खूनी नहीं है रिकार्डो, तुम जानते हो। मैं भी सोचता था कि उसे जानता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आ रही हैं उनसे लगता है मैं गलत था। प्रोसिक्यूटर पर तो विश्वास करना होगा ना। कमीला को चोरी का शक हुआ, उसने खोजबीन की, चुराए हुए पैसों का पता चला, उसने जूलियन को बुलाया, उसे सब कुछ बताया, दोनों में झगड़ा हुआ और फिर उसने उस पर हमला किया और वो दोनों भागते हुए मेरे ऑफिस में। रिकार्डो देखो, हो सकता है कि जूलियन से कोई गलती हुई हो, लेकिन नहीं नहीं, वो कोई गलती नहीं थी, वो चोरी थी। और इस चोरी को छुपाने के लिए जूलियन ने मेरी वाइफ को मार डाला, उसने कमीला का खून कर दिया, समझी? और अगर कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है तो उनके पास इतने सबूत तो जरूर होंगे। समझ रही हो कुछ? देखो मरियाना, मैं तुमसे बात कहता हूँ और ध्यान से सुनना, अगर तुम अब भी उस पर भरोसा करते रहना चाहती हो तो करो, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है मरियाना। चलता हूं मैं। दरवाजा खोलो। ए प्लंबर, चलो उठ जाओ। तुमने सेरा के साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल ले ली है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चलो बाहर, चलो बाहर, चलो जाओ, वहां जाकर खड़े रहो। जाओ वहां, देख आ गया तेरा हीरो। बेचारा, देखो तो जरा उसे, कितने दिनों तक अंदर था ये? लगभग 4 हफ्ते। बहुत बुरी पिटाई हुई है उसकी, इतने दिनों तक कोई अंदर नहीं रहा। अब सेरा से पंगा लेगा तो उसे ये सब झेलना ही पड़ेगा। बाहर हो गया ना, जाओ। ए सीधे खड़े रहो, समझ नहीं आता क्या? रीटा, उसके दोस्त को बुलाओ। हाँ, उसके दोस्त को बुलाओ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बाहर जाओ। बैठने को किसने कहा है तुम्हें? ए मुंह बंद रखो अपना। क्या हाल है प्लंबर? ये तुम्हारे लिए है। अरे यार क्या कर रहे हो? जूलियन अब तक अंदर है और घर से बढ़ते ही जा रहे हैं। सैमुअल की स्कूल की फीस भी नहीं भरी, तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, बैंक में भी जितने पैसे थे वो भी निकल चुके हैं। लेकिन पैसों के मामले में तो जूलियन बहुत सावधान रहता था। हाल ही में हमने इतना महंगा घर खरीदा है और मैं कोई काम भी नहीं करती। पैट्रिसिया, एक बात मुझे सच सच बताना, अगर वो गवाह नहीं मिला तो जूलियन जेल से निकल पाएगा या नहीं? मैं अपील की तैयारी कर रही हूँ। और उसमें कितना वक्त लग सकता है? अब 1 से 2 साल का वक्त तो इसमें लग ही जाएगा। अब तुम चलो, चलो जल्दी करो। तुम चलो। अरे पीछे हट, इधर जा। नहीं नहीं, ए प्लंबर, तुमसे कोई मिलने आया। नहीं नहीं, उतना नहीं चाहिए, आराम से चले जाओ।
वो वहां बैठा है। थैंक्स जूलियन। मैं कुछ प्रॉब्लम्स में थी लेकिन वो सब मैंने निपटा लिए हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं, कुछ खास नहीं, तुम फिक्र मत करो। नहीं, बताओ मुझे। भाई घर की चीजें और सैमी की फीस वगैरह। पैसे कम पड़ रहे हैं तुम्हें? मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। जॉब पर क्यों? पैसों के लिए तो मैंने पैट्रिसिया से कह दिया था, वो तुम्हें दे देगी। वो मदद तो कर रही है लेकिन उतने पैसों से काम नहीं चलेगा, अपना घर बेचना पड़ सकता है। घर तुम्हारे और सैमुअल के लिए उसे बेचने की जरूरत नहीं है। और रिकार्डो तुम लोगों की देखभाल नहीं कर रहा है? ना तो उसने मुझे कॉल किया और ना ही दोबारा मिलने के लिए आया। हुआ क्या उसे? तुम उससे मिले ही नहीं? देखो रिकार्डो अभी कमीना के काम में डूबा हुआ है। हम सबके लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है। पर कम से कम एक बार आकर मुझसे मिल तो सकता है। हाँ वो तो है। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। हमारा सैमुअल कैसा है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसे कैसे बहलाऊं। उसे अब यकीन नहीं होता कि तुम बाहर ट्रिप पर गए हो। ठीक है तो हम उसे सच बता देते। सच बता देते? हाँ सच। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ और ये कि कुछ समय और मुझे जेल में ही रहना होगा। मैं उसे बताना चाहता हूँ, सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो क्या मैं सनी को यहाँ लेकर आऊँ? और क्या कर सकते हैं? क्या मैं उसे कभी भी ना देखूं? तुम चाहती हो कि मैं उसे देखने की ना सोचूं, यही चाहती हो तुम? उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैं जेल में हूं, लेकिन मैं बेगुनाह हूं, ठीक है? सब कुछ उसे समझाना चाहता हूं। देखो, अभी उसकी ये सब समझने की उम्र नहीं है। हाँ, मैं उसे उतना ही बताऊंगा जितना वो समझ सके। मरियाना, देखो मुझे उससे मिलना है, प्लीज। सैमुअल को देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस एक बार उसे यहाँ ले आओ। लाओगी ना? बोलो। जैसा कहो, अगली बार मिलने आऊंगी तो मैं उसे लेकर आऊंगी, ठीक है? थैंक यू। सुनो, मुझे ये सब चाहिए, मेरे पास भेज देना प्लीज। तुम यहाँ? यहाँ क्या कर रही हो? बस तुमसे मिलने आ गई। सैमी के बर्थडे के बाद तुम हमसे मिलने घर पर आए ही नहीं। हाँ सही कह रही हो। चलो ऑफिस में बात करते हैं, आओ। चलो। जूलियन तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम उसका बचाव करोगी ही। मैं अभी उससे मिलकर ही आ रही हूँ, वो सैमी को लाने के लिए कह रहा है। पागल हो गया है वो। और तुम सोच भी कैसे सकती हो सैमी को वहां ले जाने के बारे में? लेकिन वो उसका बेटा है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? हाँ पर तुम उसकी माँ हो मरियाना, तुम्हारे बेटे के लिए क्या सही है क्या नहीं ये तुम जान सकती हो। और वैसे भी उस जेल में जहाँ इतने सारे खूनी कैदी हैं उनके बीच उसे ले जाना मुझे सही नहीं लग रहा। देखो मरियाना, तुम अगर यहाँ मेरी राय लेने आई हो तो मेरी राय में ये गलत होगा। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सैमुअल बेटा है तुम्हारा, जरा उसके बारे में भी सोचकर देखो मरियाना, प्लीज। वो देखो वहां बैठा हुआ है। तेरा प्लम्बर। मैं से बात करने जा रही हूँ। नहीं, पागल हो गई हो क्या? अकेले तुम्हारा यहाँ बच पाना मुश्किल है। क्या? तुम उस भाई से दोस्ती कर लो। ए प्लम्बर, चलो यहाँ से। क्यों चलूँ मैं? ऑर्डर है कि तुम यहाँ खुले में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकता? देखो तुम्हारी वजह से मैं सेरा से पंगा नहीं ले सकता। चलो उठो यहाँ से। ठीक है, चल रहा हूँ। चलो दरवाजा खोलो। माफ करना भाई, तुम्हें स्टडी करने से रोक रहा हूँ, तुम्हें चलना होगा, एक जरूरी काम आ गया है। चलो उस तरफ चलो। ओ भाई साहब जरा सुनो, मैं सुट्टा मारकर थोड़ी देर के लिए राउंड पर जाऊंगा, मेरा ख्याल है तब तक तुम अपना काम तो निपटा ही लोगे। हाँ निपटा लूंगा, मैं आता हूँ। टेटनेस, जरा नमक तो बढ़ाना। तो तुम दोनों मुझे यहाँ मारने आए? चाहिए मत। देखो उसे वहाँ पर रखो। छोड़ो, छोड़ो। बाहर चलो। चल 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 निकल। क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला छोड़ो और तुम एक नया लफड़ा शुरू कर देते हो, यार क्या है ये सब? ये पाइप टूट गई है सर। देखो ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें फिर से उस काल कोठरी में भेजना पड़े, समझे? जी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान रहे। ओ
उठो। क्या कर रहे हो? चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो यहाँ से। औरतों को इंतजार करवाने में बहुत मजा आता है ना। अपनी वाइफ का इंतजार कर रहे हैं? हाँ वही समझ लो, छोटी सी है पर बढ़िया टमाली बनाती है। कहो तो तुम्हारे लिए एक रख दूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम वही खाते होगे, कैवियर, लॉबस्टर और वो आलतू फालतू चीज़ें जो बड़े लोग खाते हैं। ये खाओ, मज़ा आएगा। मरियाना, कैसी हो तुम? ये देखो, तुमने जो किताबें मंगवाई थी वो सब मैं लेकर आई हूँ। और सैमुअल कहाँ है? ऊपर है क्या? आने नहीं दिया? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ बताओ तो। शांत हो जा जूलियन, मैं चाहती हूँ कि तुम अब नहीं। जूलियन वो ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? वो ठीक नहीं है और ना ही मैं ठीक हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, हर बार मुझे यहाँ अपनी तलाशी करवानी पड़ती है, इनकी गंदी निगाहों से होकर मुझे गुजरना पड़ता है। अब मैं इस जगह पर तुमसे मिलने कभी नहीं आने वाली और ना ही मैं यहाँ अपने बेटे को ये सब सहने के लिए लेकर आने वाली। तुम्हारा बेटा? वो मेरा भी बेटा है मरियाना, वो हमारा बेटा है, हम दोनों का बेटा है वो। मैं जानता हूँ तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार है। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? सिर्फ अपनी फिक्र है तुम्हें। इस समय मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ और सैमुअल के सामने मैं किसी मुजरिम की तरह नहीं जाना चाहता, समझी? तुम्हें मुझ पर शक है? मेरी आंखों में देखकर बोलो कि मैं मुजरिम हूं, मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं खूनी हूं। तो मेरी बीवी होकर अगर सोचती हो कि मैं खूनी हूं तो दुनिया से क्या उम्मीद रखूं? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं एक पागल खूनी हूं जो अपने दोस्त की बीवी का खून कर सकता हूं? बोलती क्यों नहीं? मैं अब यहां कभी नहीं आऊंगी। क्या कहा, कभी नहीं आऊंगी? मैं अब तुमसे अलग होना चाहती हूं। चाहती हो? मुझे छोड़ देना चाहती हो? ओके, ठीक है, अच्छी बात। ओके, मैं ठीक हूं, ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। मुझे अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार है मरियाना। और तुमने जो कुछ किया मुझे उसे उससे बचाना है। ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है जूलियन, अब मान लो। मुझे अपने बेटे से मिलने का अधिकार है, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ मरियाना। शांत हो जाओ मरियाना, 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 मेरी ओर देखो मरियाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, ये मेरी तरफ से। हाँ
रिलैक्स। हेलो। हेलो बेटा, मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ बेटा। मेरे डैडी। ओ मेरे बच्चे, तेरी जान, तुम्हारी आवाज सुनकर कितना सुकून मिला। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ। आप कब आ रहे हैं डैड? अभी नहीं बेटा, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छे बच्चे बनकर रह रहे हो ना? हाँ डैड। अपनी खुशी बता नहीं सकता। सामी, डैड का फोन है, डैड का फोन है। नहीं मम्मी, छुड़ा दो। सैमुअल, फोन दो मुझे। सैमुअल नहीं, सैमुअल फोन दो मुझे। तुम्हारी बीवी बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती है? हाँ, वो नहीं रोक सकती। हम किसी को भेज कर उसे धमकाते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं मानती है तो उसे मार डालेंगे। ए, सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे यहाँ पर। आओ मेरे साथ। मुझे कहाँ ले जाओगे? वो जानकर क्या करोगे? आओ मेरे साथ। जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा। जाओ, जाकर गिटरेस की पाइप साफ कर दो। चलो। अभी सहरा छुट्टी पर है तो इस मौके का भरपूर फायदा उठा लो। मैंने ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है कि तुम कैसे हो। हमें कभी बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने देखा तुम अपनी वाइफ से लड़ रहे थे। एक्स वाइफ। वो मुझे मेरे बेटे से बात नहीं करने देती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। मेरी भी एक बेटी है, मिकाएल। हालांकि अब तो वो बड़ी हो गई है, 17 की हो चुकी है वो। ये है मेरा बेटा सैमुएल। बहुत क्यूट है। ये मेरी बेटी मिकाएल है। आखिरी बार जब उसे देखा था तब की फोटो है। इसके डैड तुम्हारे साथ वही कर रहे हैं जो मरियाना मेरे साथ कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी बुआ के साथ रहती है और वो उसे यहाँ आने नहीं देती। वो अपने डैड के साथ क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसके डैड मर चुके हैं। तुम्हें उनकी बहुत याद आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। एस्पेरेंजा, मैं जान सकता हूं कि तुम यहां जेल में कैसे आई? अगर बताना चाहो तो। मैंने अपने हस्बैंड का खून कर दिया क्योंकि वो मेरी बेटी का रेप कर रहा था। यहां तुम्हारा और कितना समय बचा? 10 साल और बचे हुए हैं, और यहाँ से निकलते ही मैं सीधा अपनी बेटी से मिलने उसके पास जाना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने जो किया वो क्यों किया। सच बताना चाहती हूँ उसे, पर पता नहीं तब वो मुझे पहचान पाएगी भी या नहीं। मेरे पास एक नोटबुक है,
जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना, तब मैं उसे कहानियां सुनाया करती थी। वो लंबे पिंक पक्षियों की कहानियां उसे बहुत पसंद थी। फ्लेमिंगोस। हाँ वही। मैं इसमें इतने सालों से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो लिख रही हूँ। तुम इसमें स्पेलिंग करेक्शन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये समझे कि मुझे ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूंगा। मरियाना इस वक्त सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक किए जा रही है। पैट्रिसिया बता सकती है और क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे। देखो, मुझे अपने बेटे से मिलना, पर उससे कैसे मिल पाऊंगा? कोई कानूनी तरीका? उसके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का ये सही वक्त नहीं है। मरियाना भी बहुत निगेटिव सोच के साथ जी रही है। क्यों, क्या कहा उसने तुमसे? यही कि वो नहीं चाहती सैमुअल यहाँ जेल में तुमसे मिलने आए, और हम उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे बेटे को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है वो। तब से उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। देखो जूलियन, अब हमें अपनी अपील पर उम्मीद रखनी होगी। उसमें कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे पैट्रिसिया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे यहाँ से निकलने तक सैमुअल 30 साल का हो चुका होगा। तुम हिम्मत से काम लो जूलियन, और सोचो जो होगा अच्छा ही होगा। जानती हो यहाँ अंदर सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है? ये भ्रम कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं सोच को दिमाग से निकाल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस मृग मरीचिका के पीछे ताउम्र भागती रहो। मत करो ऐसा। गार्ड, एवेलिन, तुम बाहर जाओ। क्या बात है, मेरे लिए तुम काफी टेस्टी खाना पका रही हो। घबराओ मत, कूल डाउन। देखो, तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिक्र मत करो। घबराओ मत, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरा ये प्लास्टर निकल जाएगा। और चूंकि ये तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की देन है, तो सबसे पहला हिसाब उसे ही चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने जूलियन को छुआ भी ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर सकती। मेरा मैं चाहता तो सब कुछ आसानी से कर सकता था, पर लगता अब सख्ती करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो, और तुम्हारे उस आशिक को मेरे हाथ में लगी चोट के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो तो वक्त ही बताएगा। किसे मारना होगा हमें? उस प्लंबर को। यह नामुमकिन है, क्योंकि उस आदमी के जिंदा रहने में ही मेरा फायदा है। तुम्हारे फायदे में मेरा क्या फायदा है? शांत रहो, दिमाग ठंडा रखो। वैसे तो मैं यहां सबको कंट्रोल में रख सकता हूं, लेकिन आज के माहौल में अगर वो बगावत पर उतर आए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें गिनती तो अच्छी तरह आती होगी, तो गिनना शुरू कर दो, क्योंकि यहां जितने गार्ड्स हैं उससे कहीं ज्यादा कैदी हैं मेरे दोस्त। मैं कुछ दिनों के लिए यहां नहीं था तो शेर हो गया, पर ना तो ये सलाखे और ना ही तेरे दोस्त तुझे बचा पाएंगे। होशियार रह प्यारे, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूं। उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं कुछ नहीं, तुम तो ठीक हो ना? वो वैसी हमें डरा डरा कर टॉर्चर करने वाला है, पर हमें तैयार रहना होगा, समझ गए ना तुम? नहीं तो वो हमें मार देगा। मुझ में तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं है।
जानते हो हमारे लिए जिंदा बचे रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहर हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम अपने सीने से लगाना चाहते हैं, और यही वजह है जिसके लिए हमें जिंदा बचे रहना होगा। से भाग निकलते हैं।